देवास में पुलिस ने एटीएम लूटने का प्लान बना रहे 5 बदमाशों को रात करीब 12 बजे घेराबंदी करके हथियारों के साथ पकड़ा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिविल लाइन चौराहे पर जिला शिक्षा कार्यालय के अंदर अंधेरे में 5 बदमाश बैठकर शराब पी रहे हैं और बदमाशों के पास हथियार भी है। बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर रात करीब 12 बजे घेराबंदी कर मौके से 5 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों के पास से टामी, लोहे का कटर, चाकू, गुप्ती, लट और सेव, चने, डिस्पोजल ग्लास, माचिस, सिगरेट, शराब के क्वार्टर भी जब्त किए। कोतवाली पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर धारा 399, 402, 25B आर्म एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। ये रात्रि में सूचना मिली थी हमारी टीम को, कुछ बदमाश जो है जिला शिक्षा केंद्र जो है उसके पास में हम छुपे हुए हैं, आपस में बैठ कर योजना बना रहे हैं टीम रूटने की। समय में हमें जो है टीम वगैरह वहाँ तत्काल ही दबिश दी गई और दबिश में जो है 5 बदमाशों को पकड़ा गया है और पूछताछ करते हैं उनके पास से कुछ अभी मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं, क्योंकि संभव हो सकता है कि लूट गया, स्कूल के रिकॉर्ड भी हैं उनके, कुछ मामले इनके खिलाफ लूट के भी हैं और उसके साथ हैं। सर प्रारंभ पूछताछ से प्रारंभ पूछताछ में अभी यही आ रहा है, अभी अगर कहीं ना कहीं जो है ये नहीं पकड़े जाते तो एक एटीएम की जो है घटना करते थे, दिमाग में टाइम मिला है और जो है अलग अलग सामान मिला है। देवास से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।